नमस्कार, मैं ओम प्रकाश रावत, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजस्थान, एफएमसी परिवार की ओर से सभी किसान भाइयों का इस ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं। खम्मा गणी किसान भाइयों, मैं नीलेश कुमार उपाध्याय, क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी जोधपुर संभाग राजस्थान, आप सभी किसान भाइयों का एफएमसी कंपनी की तरफ से इस ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, उससे आप अपने आप को एवं अपने परिवार को किस प्रकार बचाए रखें, इसके लिए कुछ सावधानियां रखें। जब कभी भी घर वापस लौटे हैं आप, तो अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखें। घर पे अधिक से अधिक रहने की कोशिश करें, बाहर ना जाएं। इसके अलावा अगर बाहर जाना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर जाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद नीलेश जी, आपने काफी विस्तृत से कोविड-19 के बारे में हमें सभी किसान भाइयों को बताया। आओ अब कुछ एफएमसी के बारे में हम कुछ जानकारी लें। एफएमसी 137 वर्षों की एक युवा कंपनी है और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है जो एग्रोकेमिकल में काम करती है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है और तकरीबन 7000 से ज़्यादा कर्मचारी इसमें कार्यरत है और तकरीबन 26 उत्पादन एवं विनिर्माण सुविधाएँ हैं इसके साथ और तकरीबन 23 अनुसंधान केंद्र स्थित है। लगभग इसका 30,000 करोड़ का सालाना कारोबार है और 2500 करोड़ से ज़्यादा का अनुसंधान में वार्षिक खर्च करते हैं, जो भी किसी भी कंपनी की क्वालिटी को दर्शाता है। हाल ही में 2018 में सबसे बेहतरीन एग्रो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही कंपनी की सोच ये है कि प्रकृति आपकी और प्रकृति हमारी, सो अब एक बड़े परिवार के साथ एफएमसी। मैं हमारे क्षेत्रीय विपणन अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा कि वो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अनार की फसल में कौन कौन से मुख्य कीटों का आक्रमण होता है। नीलेश जी, वैसे तो अनार की फसल में काफ़ी कीटों का अटैक होता रहता है और खासतौर से रस चूसक और जो चबाने वाले कीड़े काफ़ी हैं, लेकिन मुख्यतः थ्रिप्स अनार के किसानों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या पैदा करती है, जिससे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में काफ़ी असर पड़ता है। साथ ही माहो, ये भी एक बड़ी समस्या है। वाइट फ्लाई, जिसे हम सफ़ेद मच्छर बोलते हैं, ये भी काफ़ी हद तक पाई जाती है। और अनार की सुंडी, ये भी काफ़ी हद तक अनार के किसानों को काफ़ी नुकसान करती है इस चीज़ के लिए। तो ओम प्रकाश जी, किसान भाई जो है हमारी एक समस्या से बड़ा परेशान रहते हैं कि उन्हें बार बार अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवाइयों का लगातार स्प्रे करना होता है, तो ऐसी कौन सी दवा का इस्तेमाल करें कि जिससे इन सभी कीटों पर नियंत्रण पा सकें। नीलेश जी, ये बात सही है कि जब हम बनीविया को शुरुआती अवस्था में यूज करते हैं, किसान जब अपने अनार के खेत में इसको यूज करता है, तो शुरुआती अवस्था में तनाव में कमी लाता है पौधे के ऊपर और नाजुक जो फसल होती है, रस चूसक और चबाने वाले कीटों के कारण जो जैविक तनाव होता है उसमें कमी आती है। दूसरा, फसल मजबूत स्थापना देखने को मिलती है खेत के अंदर और एक जानदार फसल का आधार तैयार करता है। फसल को जल्दी तैयार होने की क्षमता भी विकसित करता है बनेविया, ताकि किसानों के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना उत्पादन ले सके और मंडी पे ला सके। साथ ही हम अनार के अंदर एक गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पे बेहतरीन रंग, चमक व फल कम खराब होना,
ये भी कहीं ना कहीं बनेविया जब शुरुआती अवस्था में यूज करते हैं तो अपने बेहतरीन कीट नियंत्रण गुण के कारण ये सब चीजें फार्मर को देखने को मिलती हैं। साथ ही उसे अविश्वसनीय लगने वाले शानदार परिणाम मिलते हैं जिसके कारण फार्मर को फायदा होता है। साथ ही ये मैं बताना चाहूंगा, बनीविया एक विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी है और जिसको साइजेपियर ने शक्ति प्रदान करी है, जो कीटों की मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बाधित करते हुए उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। साथ ही एक क्रॉस स्पेक्ट्रम गतिविधि के थ्रू काम करता है जो चयनित रूप से रस चूसक और चबाने वाले कीड़ों की रोकथाम करते हुए उसको काफी हद तक समाधान दिलाता है। साथ ही त्वरित कीटों के भोजन रोकने की प्रक्रिया में भी बड़ा सहायक है। जब बनीविया का किसान अपने अनार के खेत में स्प्रे करता है, यूज करता है, तो कीड़े तुरंत ही कुछ मिनटों में अपनी भोजन करने वाली क्षमता पे उस पर रोक लग जाता है, जिससे फसल को तुरंत पूरी सुरक्षा मिलती है। साथ ही बनीविया की फसल से शानदार वृद्धि और मजबूती देता है, क्योंकि रस चूसक व चबाने वाले कीड़ों से फसल में होने वाले तनाव में कमी आती है। अंतर प्रवाह और पत्तियों के आर पार जाने की इसके अंदर गुण है, जो किसानों के लिए काफी एक कारगर साबित होती है। ये एक फोलियर फॉर्मुलेशन के अंदर है जो पत्तियों पे छिड़काव के लिए ही बनाया गया है। साथ ही इसके अंदर शीघ्रता से ना घुलने वाला भी गुण है। अगर बनीविया के स्प्रे के दो तीन घंटों बाद भी अगर वर्षा आ जाती है तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, इसको वो काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है इस पे। साथ ही हम कह सकते हैं ये ग्रीन केमिस्ट्री है और आईपीएम और आईआरएम में इसको अपन शानदार तरीके से शामिल कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा नीलेश जी, जब अनार पे हम बनीविया का स्प्रे करते हैं, यूज करते हैं, तो फार्मरों को पौधे पे क्या क्या लाभ मिल सकता है और फार्मरों को किस हद तक इस चीज के लिए फायदा हो सकता है? देखिए, बनीविया जो है सबसे पहले तो पत्तियों का मुड़ना कम करता है और पर्याप्त कोमल एवं हरी पत्तियां कायम रखता है और फलों को धूप से जलने से बचाकर उच्च गुणवत्ता का फल देता है। साथ ही साथ फूलों की कलियों पर थ्रिप्स से होने वाले बायोटिक तनाव को कम करता है, इसलिए फल को अपने हिसाब से पतला करने की सुविधा होती है, जिससे फलों का भार पेड़ पर एक समान बढ़ जाता है। शुरू में बेदाग फलों की बढ़ोतरी होती है ताकि अपनी फसल से फल को पतला करने का अवसर मिले। शाखाओं के आधार के निकट लगे शुरुआती फल सुरक्षित रखे जा सकते हैं और इससे गुणवत्ता बढ़ने का अवसर मिलता है। थ्रिप्स के नुकसान से बचाव की वजह से बाद के चरणों में बेदाग फलों की बढ़ोतरी करता है। साथ ही साथ अनार की तितली से सुरक्षा की वजह से बाद के चरणों में ज्यादा बेदाग फल लगते हैं, फलों के बाजार में बिकने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसके अलावा थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और लेपिडोप्टेरा जैसे चूसर कीटों से उत्पन्न जैविक तनाव में कमी आने से फलों के बरकरार रहने की क्षमता काफी बढ़ जाती है और कीट नियंत्रण के कारण फल के आकार, रंग और चमक में काफी अच्छी वृद्धि होती है, जिससे हमें एक ग्रेड कैटेगरी के फलों की संभावना बढ़ जाती है। बेहतर बिक्री योग्य पैदावार और गुणवत्ता, जिससे उत्पादकों को उत्कृष्ट कीमत मिल जाती है। उच्च गुणवत्ता के पैदावार की संभावना बढ़ती है, मूल्य प्रति किलोग्राम में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ग्राहक बार बार आपसे खरीदते हैं और समाज में आपका नाम बढ़ता है। सो धन्यवाद नीलेश जी, आपने जो इतना इसको उस तरीके से बताया इस चीज के लिए। तो ओम प्रकाश जी, किसान भाइयों को आप बताइए कि बनीविया का इस्तेमाल कब और कैसे करना है? बनीविया का इस्तेमाल हमें शुरुआती अवस्था में ही करना चाहिए ताकि दवाई का मैक्सिमम फायदा मिल सके फार्मर को। तो पहला छिड़काव, इसके दो छिड़काव की हम सिफारिश करते हैं। तो पहला छिड़काव मुख्यतः छटनी के 30 से 35 दिनों के बाद, या जब फूल की अवस्था 30 से 50% आ जाती है शुरुआत के अंदर, तो 360 ml को एक एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरा स्प्रे है वो उसके पहले स्प्रे के 10 दिन बाद, सेम 40 से 45 दिनों के बाद छटनी के, और 360 ml के हिसाब से पर एकड़ में हमें इसकी स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे के आधार पर पानी की मात्रा बदल सकती है और बट प्रति एकड़ जो मात्रा है बनीविया की वो सेम ही होनी चाहिए। तो मैं इस्तेमाल विधि के लिए किसान भाइयों को सिफारिश करूंगा कि नैपसैक हैंड स्प्रे से उसकी फसल पे करें ताकि ज्यादा उसका फायदा उठा सकें इस चीज के लिए और केमिकल की कमी से कम बर्बादी हो। उत्तम परिणाम के लिए 10 दिनों के अंतराल में बनीविया के दो लगातार स्प्रे करना आवश्यक है।
आज हम परेश भाई के फार्म पे आए हैं, जो अनार का इनका फार्म है, और इन्होंने बनीविया की 2 स्प्रे करी हुई हैं। तो आज हम किसान के मुंह से ही उनकी जुबानी से जानना चाहेंगे कि बनीविया के स्प्रे के बाद में वो अपने खेत में क्या महसूस करते हैं। तो मैं परेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार। तो आपने 2 स्प्रे करी हैं इसकी बनीविया की? 9 तारीख को की है, 1 19 तारीख को, 10 दिन के बाद की है मैंने। अच्छा, तो परेश भाई आपको कैसा लगा इसके स्प्रे करने के बाद, क्योंकि आपको तो काफी अनुभव है इसे अनार के खेतों के लेके? सबसे बड़ी तकलीफ हमको जब भी रहती है तभी थ्रिप्स की रहती है, फ्लावरिंग निकलती है तो थ्रिप्स उसको चाटा मार के जाती है। इस टाइम हमने 2 स्प्रे मार के चेक किया है, अभी तक थ्रिप्स का एफिड्स का कोई असर दिखता नहीं है। व्हाइट फ्लाई भी तो हमारे इधर थे ही नहीं, लेकिन थ्रिप्स और एफिड्स की कुछ आती है तो कुछ है नहीं अभी तक। तो परेश भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके फ्लावरिंग सेटिंग और फ्रूट सेटिंग में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? नहीं, फ्लावर सेटिंग तो बराबर रहती है, जो बीमारी आती है वो थ्रिप्स में आ जाती है और इल्ली आती है। इल्ली भी ये टाइम नहीं आई, नहीं तो छोटे छोटे फ्रूट के अंदर इल्ली चाटा मार देती है, वो भी ये टाइम नहीं आई। मेरे पास टोटल ये यहाँ पे साइड के ऊपर 3366 3,366 पौधे है और टोटल मेरे पास 15,000 जार है 3 साइड के ऊपर। आज मैं वापस साइड पर आया था, सेकेंड स्प्रे भी हमारा बेनीविया का हो चुका था, फिर वापस मैंने दिलीप को आके पूछा, देख अंदर 3-3 फ्लावर के बीच में कहीं थ्रिप्स तो बैठी नहीं है ना, तो ये देखने के लिए मैं वापस आया। फिर अपन पहली बार स्प्रे किया है, एक बैच तो कंप्लीट किया है, अभी ये दूसरा बैच भी कंप्लीट किया है, तो दूसरा बैच में अपने पास कोई तकलीफ तो नहीं आई ना, क्योंकि अच्छी फ्लावरिंग हुई है। क्योंकि ये जो अनार है वो हमारा टोटल बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है, पार्टी हमारी बांग्लादेश की फिक्स है, हम हर टाइम 180 से 200 टन बांग्लादेश माल बेचते हैं। ये अनार मेरा सबसे बढ़िया जाता है इस साइड के ऊपर का, तो यहाँ पे मैंने बेनीविया का स्प्रे ये टाइम लिया है। अभी तक तो मेरे को थ्रिप्स की कोई चाटा दिखता नहीं है, ये भी अभी गोटी बन चुकी है, ये पहले वाली गोटी बन चुकी है, इसमें भी थ्रिप्स तो नहीं है। तो आप बेनीविया से पूर्णतः संतुष्ट हैं? यस यस, आई एम हैप्पी विद बेनीविया। किसान भाइयों, बेनीविया दवा का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेनीविया का छिड़काव 30-50% फूल अवस्था पर या 30-45 दिन छटाई के बाद करना चाहिए। उत्तम परिणाम पाने के लिए बेनीविया का इस्तेमाल सिफारिश की गई समय अवधि में 2 बार 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। फसल पर कीटों के आक्रमण के शुरुआत होते ही बेनीविया का छिड़काव करना है। बेनीविया फॉर्मुलेशन सिर्फ पत्तियों पर छिड़काव के लिए है। बेनीविया एक क्रॉस स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो कि रस चूसक तथा चबाने वाले दोनों प्रकार के कीड़ों पर असर करता है। बेनीविया का इस्तेमाल केवल मुख्य खेत में रोपाई या बुआई करने के बाद ही किया जाना चाहिए। बेनीविया तरह तरह के कीटों जैसे कि थ्रिप्स, सफेद मक्खी और माहों का नियंत्रण करता है, जो कि खतरनाक वायरसों के वाहक होते हैं। बेनीविया का इस्तेमाल ग्रुप 28 कीटनाशकों के अलावा अन्य ग्रुपों के कीटनाशकों के साथ बारी बारी से किया जा सकता है। बेनीविया एक ग्रीन केमिस्ट्री कीटनाशक है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फफूंद नाशकों और कीटनाशकों के साथ यह अनुकूलता दर्शाता है। साथ ही कुछ ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो बेनीविया का इस्तेमाल फसल की बाद की अवस्थाओं में सिफारिश नहीं है, सो आप इसे बाद की अवस्थाओं में छिड़काव ना करें। बेनीविया का इस्तेमाल अगर फसल पर सिर्फ एक बार या फसल की बाद की अवस्थाओं पर किया जाता है तो पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। साथ ही बेनीविया का इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब फसल पर कीटों की संख्या अत्यधिक हो और बहुत ज्यादा संख्या में हो। बेनीविया का इस्तेमाल मिट्टी पर छिड़काव के रूप में नहीं करना चाहिए। बेनीविया मकड़ियों, तेलों और मिलीबग्स की रोकथाम के लिए सिफारिश नहीं की जाती है। बेनीविया का इस्तेमाल नर्सरी के छिड़काव के लिए भी नहीं करना चाहिए। बेनीविया वायरस रोगों की रोकथाम में नहीं करना चाहिए। बेनीविया का इस्तेमाल फसल की लगातार अवस्थाओं या एक ही प्रकार के कीट की अगली पीढ़ियों पर नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेनीविया का इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब मधुमक्खियां अत्यधिक सक्रिय हों। बेनीविया को टैंक में सल्फर, कॉपर, जिंक, कैप्टन तथा स्ट्रोब्लुरिन्स के साथ मिला के नहीं करने की सिफारिश करी गई है। इस ऑनलाइन वेबिनार के अंत में मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब भी वो कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। खासतौर से जब भी कीटनाशक कहीं से भी वो परचेज करें, खरीदें, तो अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और उसका जो लेबल क्लेम आता है उसको सही तरीके से पढ़ें। जब भी
कीटनाशकों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं, तो खासतौर से अपने साइड के लोगों से, भोजन से और आसपास के जितने भी पशुओं से उनको उसको बचाव रखना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी हम घर पे या कहीं भी स्टोर करते हैं किसी भी कीटनाशक को, तो उसको सही जगह पे स्टोर करना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि वो उसकी पहुंच पे ना आए। साथ ही जब भी हम स्प्रे की तैयारी करते हैं तो स्प्रे पंप को सही तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए, वो कहीं से लीकेज ना हो, और सही नोजल का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब किसान स्प्रे के लिए खेत में जाता है तो उसको पूर्ण तरह से पीपीई किट का यूज करना चाहिए, अपने पूरे शरीर को ढकना चाहिए, आंख नाक मुंह और शरीर को, ताकि कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। स्प्रे के अंत के अंदर जो कंटेनर है उसे सही तरीके से साफ करना चाहिए और जितने भी कीटनाशक जो यूज करे गए हैं उनके खाली कंटेनरों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो किसी और चीज को हानि ना कर सके। अंत के अंदर शाम को हमें स्प्रे के बाद सही तरीके से हमारे कपड़ों को धोना चाहिए और हमें भी स्नान करना चाहिए ताकि अगर शरीर पे कोई कीटनाशक गलती से डल भी गया है तो प्रॉपर तरीके से वो साफ हो जाए। सो किसान भाइयों, इन कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कोई समस्या ना हो। सो इस ऑनलाइन वेबिनार के अंत के अंदर हम आज यहीं पे इसका समापन करते हैं और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इसमें पूरा ज्वाइन किया और सही तरीके से आपने इसको पढ़ा देखा, तो हम इसके लिए आप लोगों के धन्यवाद करते हैं।